पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में नवोदय विद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए सम्मेलन, मूल्यनिष्ठ शिक्षा को अपनाने की सलाह। हैदराबाद के शांति सरोवर में आंतरिक शक्ति विकास के लिए मेडिटेशन रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन, सर्वांगीण विकास के लिए राज्यों का अभ्यास करने का आह्वान। कानपुर के कल्याणपुर परघई में किसान सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ, योगी खेती अपनाने पर जोर। दिल्ली में द्वार खड़ा भगवान विषय सम्मेलन, बड़ी संख्या में जुटे लोग, आध्यात्मिकता से होगा आंतरिक विकास। अलवर में 4 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन, वैश्विक शांति के लिए जरूरी है अध्यात्म। और सोनीपत अगरतला समेत कई स्थानों पर चलाया गया महाशिवरात्रि अभियान, परमात्मा से अच्छाइयां धारण करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फारूक नगर नवोदय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उदयपुर से सहायक आयुक्त के एन उपाध्याय, प्रशासनिक मुख्यालय के उपायुक्त पी के शर्मा, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा समेत कई अधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 50 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बीके आशा ने कहा कि नकारात्मकता के होने से ही जीवन में चुनौतियां आती हैं। यदि सकारात्मक चिंतन शक्तिशाली होगा तो नकारात्मकता की शक्ति कमजोर हो जाएगी। जिस चीज को हम एम्पावरमेंट कहते हैं वो ये है कि मैंने अपने आप को पॉजिटिव पावरफुल संकल्पों से भरपूर करना। जिसका भगवान साथी है उसके आगे कोई भी बात डिफिकल्ट है? ये सबक हमने अपने आप को पढ़ाना है। कार्यक्रम के साथ पीस ऑफ माइंड रिट्रीट और बजाज मोटर्स के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। बजाज मोटर्स के अधिकारियों के लिए आत्म सशक्तिकरण और रिश्तों में एकता विषय आदि कई तरह के कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को ईश्वरीय अनुभूति कराई गई। सम्मेलन में आए प्रतिभागियों ने राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। हैदराबाद के शांति सरोवर में इनर साइलेंस मेडिटेशन रिट्रीट प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शांति सरोवर निदेशिका बीके कुलदीप, अर्जेंटीना से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मोइरा, इसराइल से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शरोना ने आत्मिक शांति और आत्मा के रोल पर बल दिया। इस अवसर पर शहर के बड़े अधिकारी, उद्योगपति, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आदि सभी सम्मिलित हुए। इसके साथ ही सभी ने अपने कुछ अनुभवों को साझा करते हुए राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान बीके बहनों ने परमात्मा से शक्ति लेने के लिए प्रतिदिन जीवन में मूल्यों को धारण करने की अपील की। साइलेंस जो काम करती है वो आप बात से नहीं कर सकती। जितना आप साइलेंस में रहते हैं, झगड़ा भी खत्म करना हो ना आप साइलेंस रहिए। 100 लोग आपसे झगड़ रहे होंगे वो हार जाएंगे आप अगर चुप रहेंगे तो, क्योंकि बोलने से तो कभी भी जीत नहीं होती है। इस दौरान लोगों को राजयोग अभ्यास के द्वारा आत्मिक शांति की अनुभूति कराई। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कानपुर कल्याणपुर के परघई में ब्रह्म कुमारी संस्थान के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक डॉक्टर वी के सिंह, इलाहाबाद दारागंज सेवा केंद्र प्रभारी बी के कमल, कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के उमर ने किसान सशक्तिकरण के लिए शुद्ध अन्न के महत्व पर प्रकाश डाला और किसानों को शाश्वत योगी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम भी विभाग के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से अधिक इस विधा का प्रचार करके टिकाऊ खेती, कम लागत की खेती और शुद्ध खेती, शुद्ध अन्न पैदा करने का तरीका, ये जो शाश्वत योगी खेती में बताया गया, इसको फैलाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम अपने हाथ से प्यार से परमात्मा की याद में वो भोजन बनाएं
तो जब वो अन्न मिलेगा और आप बनाएंगे तो अवश्य मनोवृत्तियाँ चेंज होंगी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में भगवान हमारा मेहमान कब और कैसे विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शिवाजी एंक्लेव में जनक विला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति की उपस्थिति में लोगों का जमावड़ा लग गया। कार्यक्रम के दौरान बीके शिवानी ने परमात्मा का परिचय बड़े ही सहज तरीके से लोगों के सामने रखते हुए ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने की सलाह दी। जो आत्मा स्ट्रॉन्ग वो कहेगी छोटी सी बात, जो आत्मा वीक वो कहेगी बहुत बड़ी बात। तो परमात्मा से जब हम कनेक्ट करते हैं तो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हर बात फिर कैसी लगेगी, छोटी सी बात। तो जब हर बात छोटी सी बात लगेगी तो जीवन के कितने भी उतार चढ़ाव आए जीवन बहुत सुंदर लगेगी। परमात्मा के परिचय के साथ स्वयं को जानकर परमात्मा को याद करने की भी विधि बताई। सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हुए नई सत्यों की दुनिया के आने की बात कही। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया। वहीं बीके शिवानी ने सभा में बैठे लोगों को राज्यों का अभ्यास कराकर शांति की अनुभूति कराई। मध्य प्रदेश ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड्स कॉम्प्लेक्स में 7 दिवसीय कैंप स्व उन्नति विषय पर NRIITM कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में टीनी कन्वेंट स्कूल के निदेशक मोहन वर्मा, NRIITM कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार, कॉन्ट्रैक्टर शिखर और महाराजपुर ग्वालियर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने दीप जलाकर की। इस अवसर पर बीके ज्योति ने शुभकामनाएं देते हुए सभी से परमात्मा का संदेश देने की अपील की। वहीं विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव साझा किए। अपने जीवन में सदा बने रहने से हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए अपना जीवन सदा खुशनुमा बनाए, सदा खुश रहे और सबको खुश रखे। तो बाबा का घर है और पूरा सहयोग या बहनों का भाइयों का हमें मिलता है, इसलिए मैं कहीं दूसरी जगह प्रयास भी नहीं करता कि मैं कैंप किसी दूसरी जगह लगा। और हर वर्ष मैं यही कैंप लगाने का उत्सुक रहता हूँ। अलवर के केंद्रीय जेल सर्किल दशहरा मैदान में 4 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन विधायक बनवारीलाल गुप्ता, ADM हरबान मीना, SDM डॉक्टर राजेश गोयल और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला ने रिबन काटकर किया और विशाल शिवलिंग के आगे दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मेले में नशा मुक्ति, क्रोध मुक्ति, तनाव मुक्ति, कई तरह के स्टॉल्स का निर्माण किया गया जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। वहीं बनवारीलाल सिंघल ने शांति के महत्व को जीवन में उतारने की बात कही। तेलंगाना महबूबनगर के भारतीय विद्या निकेतन स्कूल मक्ठल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल नागे रेड्डी और मंडल एजुकेशन ऑफिसर लक्ष्मी नारायणा को सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोषी ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के कार्यों को स्पष्ट किया। वहीं विद्यार्थियों को भी आत्मा और उसके मूल गुणों की जानकारी दी जिसका सभी ने लाभ उठाया। वेस्ट बंगाल के श्यामनगर भतपारा में श्री फक्करनाथ शिव मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नाडिया से दामोदर महाराज, सेवा केंद्र प्रभारी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कांकीनारा श्यामनगर में बीके सदस्यों ने नगर में शांति यात्रा निकाली जिसमें सभी सदस्यों ने परमात्मा का संदेश लोगों तक इस यात्रा द्वारा देने का प्रयास किया। नेपाल बुटवल में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नेपाल कॉमर्शियल आर्टिस्ट सैंग के प्रेसिडेंट हरका बहादुर रामतेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला समेत कई बीके सदस्यों ने रक्तदान किया। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर दूसरों को जीवन दान देने का संकल्प भी लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सेवा केंद्र सदस्यों द्वारा विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई।
इस प्रदर्शनी में वेस्टर्न कॉल फील्ड्स के चीफ जनरल मैनेजर रमाकांत मिश्रा को सबजोन प्रभारी बीके कुसुम ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया और प्रदर्शनी द्वारा कई लोगों को आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाया। गुजरात कलौल में नैतिक शिक्षा विषय पर नवरंग स्कूल और वखारिया पीजे हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू के बीके भगवान ने बच्चों को नैतिक शिक्षा के महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सद्गुण जरूरी है, सद्गुणों से ही हर क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना, शिक्षा का उद्देश्य ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, शिक्षा का उद्देश्य संस्कारित बनना। अगर शिक्षा लेने के बाद मेरे संस्कार अच्छे नहीं बने तो भविष्य मेरा उज्जवल नहीं। इसके साथ ही कलौल सेवा केंद्र पर बीके भगवान ने सभी बीके सदस्यों को बताया कि व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने का एकमात्र साधन है ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन द्वारा ही श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न किया जा सकता है। असम के डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र पर नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तपन गोगोई ने कई लोगों का निःशुल्क चेकअप किया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता ने उपस्थित लोगों को राजयोग द्वारा स्वस्थ रहने की जानकारी दी। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर राजयोग से जीवन में एकाग्रता विषय पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूल की अध्यापिका उषा समेत कई विद्यार्थी भी उपस्थित रहे, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने बताया कि जीवन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में त्रिदिवसीय विशाल किसान मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में देश व विदेश के लगभग 55 कंपनियों के स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें गोपालपुरा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी और शाश्वत यौगिक खेती का एक स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल का उद्घाटन पशु विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर KML पाठक, वेटेनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AC वार्षणी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा आदि कई गणमान्य लोगों ने रिबन काट कर किया। यहां भारी संख्या में आए किसानों, कृषि व पशुपालन क्षेत्र के विशेषज्ञों को आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से योग की विधि बताई गई तथा सकारात्मक विचारों से पड़ने वाले प्रभावों की भी जानकारी दी गई। राजस्थान रावतसर के सरकारी अस्पताल में राज्योग द्वारा नशा मुक्ति कैंप लगाया गया। ये कैंप शांति भवन द्वारा आयोजित किया गया। इसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा, SDM बनवारी लाल, CMHO डॉक्टर गौरी शंकर ने मरीजों को दवाइयां देकर नशे से मुक्त करने का प्रयास किया। हरियाणा बहादुरगढ़ में LED स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी में व्यापार में सफलता की चाबी है राज्योग विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में माउंट आबू के वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके सूरज, राज्योग शिक्षक बीके रुपेश ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए राज्योग को आवश्यक बताते हुए उसे जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं सेक्टर 2 विश्व शांति भवन में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सूरज और बीके रुपेश ने जीवन में खुशी, राज्यों की विधि और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए विशेष बातों पर ध्यान खिंचवाया। अब कुछ खबरें महाशिवरात्रि महोत्सव की। त्रिपुरा अगरतला में शिव जयंती महोत्सव द्वादश ज्योतिर्लिंगम मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 8 दिवसीय इस मेले में अगरतला के सिटी कॉर्पोरेशन के मेयर डॉक्टर प्रफुल्ला सिन्हा, ONGC के जनरल मैनेजर वेद प्रकाश महावर, रेड क्रॉस के सेक्रेटरी नारायण भौमिक और त्रिपुरा और बांग्लादेश सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत सभी ने दीप जलाकर मेले का उद्घाटन किया। सुंदर रथ में सजा 8 फीट ऊंचा शिवलिंग के साथ बीके बहनों माताओं ने शहर में यात्रा निकाली।
इसके साथ ही संत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी संतों ने अपने अपने विचारों को सामने रखा। वहीं बीके कविता ने शिव के अवतरण के आध्यात्मिक रहस्य को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट किया। इसके अलावा नारी सुरक्षा पर आधारित एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर चर्चा की गई। इसके अंत में 5 साल का सोमादीप ने सुंदर ड्रम सेट बजाकर लोगों को आनंदित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक कविता जैन, सरपंच बिजेंद्र, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद, चंडीगढ़ सेक्टर 33 सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर तथा केक काटकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम के दौरान विधायक कविता जैन ने ब्रह्मा कुमारियों को शिव की शक्ति बताते हुए इस संस्थान को शांति का केंद्र बताया। इसके साथ ही बीके अमीरचंद ने जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाना ही संस्था का लक्ष्य बताया। सृष्टि को चलाने वाली हमारी ये है ने, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है, क्योंकि ये जितने भी सेंटर हैं, जितने भी देशों में चलाए जा सभी हमारी बहने चलाती हैं। यानी कि इस विश्व को, इस सृष्टि को सही मार्ग अगर कोई दिखाती है तो ये हमारी बहने होती। भगवान से प्राप्त होने से सब कुछ अपने आप मिल जाता है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती है। अगर हमें भगवान का को निराकार है, ज्योति स्वरूप है, शिव प्रतिमा उसकी यादगार है, परम धाम परलोक का रहने वाला है, और जब पाप सृष्टि पर बढ़ जाता है तब आके पुनः कलयुग को सतयुगी बनाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी वरिष्ठ सदस्यों समेत संस्था से जुड़े लोगों ने निराकार परमात्मा द्वारा दिए जा रहे सच्ची गीता ज्ञान को सुन 5 विकारों से मुक्त बनने की प्रतिज्ञा की। इस अवसर पर पंजाब के कई सेवा केंद्र के सदस्य भी उपस्थित हुए। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पीयूष देसाई, भाजपा प्रदेश प्रमुख अशोक धोराजिया, भूतपूर्व नगरपालिका प्रमुख एडी पटेल और सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने रिबन काटकर किया। इस मेले में बर्फ का शिवलिंग दर्शन आकर्षण का केंद्र बना, जहां सभी अतिथियों ने शिव भोलानाथ की आरती की। इस कार्यक्रम में मंत्री मंगू पटेल ने भी शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। इस दौरान अतिथियों ने शिव ध्वजारोहण कर प्रतिज्ञा ली। इस कार्यक्रम में पीयूष देसाई ने ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि समग्र देश और दुनिया में आध्यात्मिकता का परचम लहराने वाली संस्था है, जिसने देश में शुद्ध वातावरण बनाकर लोगों का जीवन तनाव मुक्त और सुखमय बनाया है। परमात्मा शिव के साथ अपनी आत्मा का संबंध जोड़ करके स्वयं को शक्तिशाली बनाए, जिससे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति में तनाव मुक्त रह सके। वही कार्यक्रम से पूर्व शहर के कई स्थानों पर बीके सदस्यों ने रैली निकालकर लोगों को परमात्मा शिव का संदेश दिया। इस यात्रा में 5 विकारी भूतों को प्रभु अर्पित करने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण की सुंदर झांकी को भी प्रस्तुत किया गया। इस रैली के माध्यम से हजारों लोगों को शिव का संदेश दिया गया। गुवाहाटी सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, ड्रग प्रदर्शनी, शिवशंकर की झांकी समेत 108 प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष केपी सरदा, गुवाहाटी सबजोन प्रभारी बीके शीला, नलबरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके जोनाली समेत कई संस्था के सदस्यों ने फीता काटकर किया। इसके साथ ही ध्वजारोहण भी किया गया। गुवाहाटी सेवा केंद्र द्वारा शांति शोभा यात्रा निकालकर ईश्वरीय संदेश दिया गया, जिसमें हजारों सदस्यों ने सहभागिता ली और लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस दौरान गुवाहाटी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर शिव ध्वजारोहण कर बुराइयों का त्याग करने का संकल्प कराया गया।
हर परिस्थिति को पार कर दृष्टांत रूप बनेंगे। बैंगलोर जाकुर के रायथा युवक संघ मैदान में महाशिव जयंती पर्व पर अमरनाथ लिंग दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशाल कैलाश पर्वत बनाया गया जिसमें कई लोगों ने जाकर अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन किए। इस दौरान सभी को परमात्मा शिव का परिचय दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियों के द्वारा भी लोगों को आत्मा सृष्टि चक्र समेत कई विषयों पर जानकारी दी गई। हरियाणा बहादुरगढ़ में महाशिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पर्व पर परमात्मा आ चुके हैं संदेश के साथ नगर में सद्भावना शांति यात्रा निकाली गई। इस रैली में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, बीके विनीता, बीके रेनू समेत कई बीके बहनों ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। इस यात्रा में कई बीके सदस्यों ने भाग लिया और नगर में रैली निकालकर परमात्मा के संदेश के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रग एडिक्शन और उत्थान समाज के लिए राज्यों की आवश्यकता विषय पर बताते हुए जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधु। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी या खबर है तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।